MCQs from M.Sc. Botany BHU Entrance 2016 Part 2. 78. Diffusion pressure deficit of a fully turgid cell is equal to. तो इसका करेक्ट आंसर है जीरो, क्योंकि जब सेल फुल्ली टर्गिड होगी उसमें पानी पूरा भरा हुआ होगा तो वहां पर प्रेशर डेफिसिट जीरो हो जाता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. 79. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कोडॉन इज मेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर, UAA, UAG और UGA. ये तीनों जो हैं वो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं. 80. The technique and experimental organism used by Kelvin for Kelvin cycle were. तो Kelvin cycle deduce करने के लिए Kelvin ने जो technique use की थी वो थी isotope, radioactive isotope technique, और जो organism था वो था chlorella. तो correct answer है option 3. 81. A pigment concerned with both floral induction and seed germination is. तो जो पिगमेंट फाइटोक्रोम है ये फ्लोरल इंडक्शन यानी कि फ्लावरिंग और सीड जर्मिनेशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर. 82. द बैक्टीरियल जेनरा कैरिंग आउट नाइट्रिफिकेशन नाइट्रेशन ए सिम्बायटिक एंड सिम्बायटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन रिस्पेक्टिवली आर. तो जो नाइट्रिफिकेशन है वो करता है नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रेशन करता है नाइट्रोबैक्टर, ए सिम्बायटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है अजोटोबैक्टर और सिम्बायटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइजोबियम. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. 83. द ऑर्गेनिक एसिड विच प्लेज अ की रोल इन सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड इज. तो वो ऑर्गेनिक एसिड है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, अल्फा कीजी. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. 84. द टर्म एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय. ये जो टर्म्स हैं ये मंच ने दिए थे. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. 85. इन स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड. स्प्लिट जीन में कोडिंग सीक्वेंस को कहते हैं एक्सॉन और नॉन कोडिंग को कहते हैं इंट्रॉन. 86. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज बोथ अल्फा 14 एंड अल्फा 16 लिंकेज. तो अमाइलोपेक्टिन में दोनों लिंकेजेस होती हैं, अल्फा 14 की चेन्स होती हैं और जो क्रॉस लिंकिंग होता है वो अल्फा 16 लिंकेज से होता है. 87. द पाथवे दैट कन्वर्ट्स फैट टू कार्बोहाइड्रेट इज. तो वो जो पाथवे है वो है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 88. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट. तो शॉर्ट डे प्लांट इसमें है जैंथियम. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. 89. Which of the following nutrient element is most mobile in plants? Most mobile का मतलब होता है कि जिसका movement सबसे ज़्यादा हो, तो वो इसमें phosphorus है. तो correct answer है option 1. 90. Which of the following enzyme is a mitochondrial marker enzyme? तो इसमें succinate dehydrogenase जो है, वो mitochondria का marker enzyme है. बाकी जो तीनों enzymes हैं, ये mitochondria के enzymes नहीं हैं. 91. इन क्लोरोप्लास्ट एटीपी सिंथेस इज लोकेटेड इन. क्लोरोप्लास्ट में एटीपी सिंथेस इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. 92. ड्यूरिंग ईएमपी पाथवे द एटीपी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू. ईएमपी पाथवे में एटीपी का जो बनना होता है, प्रोडक्शन होता है, वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. 93. विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सॉल्युबल इन वाटर. तो इसमें फाइकोसाइनिन जो है वो आपका वाटर सॉल्युबल है. जितने भी फाइकोबिली प्रोटीन्स हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल हैं, बाकी ये सब लिपिड सॉल्युबल हैं. 94. एप्टामर्स आर. एप्टामर जो हैं वो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. 95. इन फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट द हर्बिसाइड लाइक डीसीएमयू एंड डाइमिथाइल यूरिया इनहिबिट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बिटवीन. तो ये जो हर्बिसाइड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यूबिक्विनोन और प्लास्टोक्विनोन के बीच में रोकते हैं. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. 96. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनिशिएट्स डीएनए रेप्लिकेशन. जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है जिसको प्राइमेज भी कहा जाता है, वो प्राइमर की सिंथेसिस करता है और उससे वो डीएनए की रेप्लिकेशन की शुरुआत करता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. 97.
The peptide transferase enzyme is an integral part of which unit of ribosome? तो जो peptide transferase है वो 50S subunit से bind करता है, तो correct answer है option 3. 98. Cellulose is a polymer of. Cellulose जो है वो beta D glucose units का polymer है, तो correct answer है option 2. 99. Glutathione is. Glutathione एक बहुत ही strong antioxidant है और ये एक tripeptide है, तो correct answer है option 2. 100. Ethylene is produced from amino acid. Ethylene जो है वो amino acid methionine से बनती है, तो correct answer है option 1. 101. A mutant of E. coli growing normally on glucose or on glycerol but not on acetate. The most likely metabolic pathway that is defective in this mutant is. तो ये जो E. coli का mutant है वो ग्लूकोज और ग्लिसरॉल पे तो ग्रो करता है, एसीटेट पे ग्रो नहीं करता. इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोलिसिस तो नॉर्मल है लेकिन साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल काम नहीं कर रही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. 102. अंडर विच फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बैक्टीरिया इंक्रीजेज इन साइज बट डू नॉट डिवाइड. तो ये है लैग फेज. लैग फेज में बैक्टीरिया की साइज बढ़ती है बट वहाँ पर सेल डिविजन नहीं होता, सेल डिविजन लॉग फेज में होता है. 103. All of the following may be method of inhibition of microbial growth by antibiotics except. तो इसमें जो option 3 है, antibiotics prevent release of energy from ATP, ये गलत है क्योंकि कोई ऐसी antibiotic नहीं है जो ATP से energy release को रोक पाए, तो correct answer है option 3. 104. A bacterial culture contains 32×10⁶ cells after 2.5 hours of exponential growth. If the doubling time was 30 minute, what was the initial population number in this culture? तो doubling time 30 minute है और 2.5 घंटे की growth हो चुकी है, यानी कि इसमें total 5 generation हो गए हैं. तो आप ऐसे निकालेंगे, doubling time में number जो होता है वो double हो जाता है. तो अगर 32×10⁶ finally है तो उससे एक generation पहले होगा 16, फिर होगा 8, फिर होगा 4, फिर होगा 2. यानी कि इनिशियल था 1×10⁶ और उससे 5 जनरेशन के बाद हुआ 32×10⁶. तो ये जो होगा 1×10⁶ इक्वल टू 10×10⁵, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 105. जीनोम ऑफ एचआईवी इज. एचआईवी का जो जीनोम है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 106. अ टी सीरीज बैक्टीरियोफाज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स. जो टी सीरीज बैक्टीरियोफाज होते हैं वो टैडपोल की शेप के होते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. 107. बैक्टीरियोफाज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर कॉल्ड. तो इनको वायरुलेंट फाज कहते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 108. एंडोसिम्बायट इवोल्यूशन इज सपोज टू बी ऑकर्ड फॉर. एंडोसिम्बायट हाइपोथेसिस जो थी वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए थी. ये थ्योरी ये कहती थी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो एक हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया था, वो उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में चला गया और वो ऑर्गेनेल में कन्वर्ट हो गया. 109. बैक्टीरियोइड्स इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन. बैक्टीरियोइड जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 110. Which of the following is are correct about azotobacter? तो azotobacter जो है वो free living nitrogen fixing bacteria है और वो एक obligate aerobe है, तो correct answer है option 1 A and C. 111. Number of binding site of oxygen molecule in a single leg hemoglobin molecule is. तो single leg hemoglobin molecule में एक binding site होती है oxygen के लिए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. 112. द फाइनल स्टेज ऑफ एल्कोहल प्रोडक्शन इज कॉल्ड. तो फाइनल स्टेज जो है उसको डिस्टिलेशन कहते हैं, जहां पर एल्कोहल को प्यूरिफाई करते हैं. 113. द इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस इन बियर वाइन एंड लिकर इज. तो जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस जिससे नशा होता है वो इथेनॉल है, ऑप्शन 1. 114. द फर्स्ट नोन एंटीबायोटिक इज. फर्स्ट नोन एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन जी थी, ऑप्शन 3. 115. द बेस्ट मीडियम फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, कॉर्न स्टीप लिकर.
116. In industrial production of streptomycin, the secondary metabolite or byproduct is, तो वो है विटामिन बी ट्वेल्व, ऑप्शन 1. 117. द स्मट डिजीज इज गिवन टू डोज प्रोड्यूस्ड बाय उस्टिलागो बिकॉज, तो इसका करेक्ट आंसर है द फंगस प्रोड्यूसेस ब्लैक सूटी स्पोर मासेस, ऑप्शन 4. 118. द टारगेट बोर्ड इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, ये होता है अल्टरनेरिया के थ्रू, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. 119. प्लांट डिजीज पपाया मोजाइक इज कॉज्ड बाय, पपाया मोजाइक जो है वो एक वायरल डिजीज है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 120. हेट्रोथैलिज्म मींस, हेट्रोथैलिज्म का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ थैलाई ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 121. व्हिच डिजीज इन प्लांट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो इसमें जो स्टेम रॉट है इन मेज, ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. 122. अ कंडीशन ऑफ ओवरग्रोथ और एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स यूजुअली ड्यू टू इन्फेक्शन बाय अ पैथोजन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी, ऑप्शन 4. 123. द फंगीसाइड बोडुएक्स मिक्सचर वॉज डिस्कवर्ड बाय, उसको डिस्कवर किया था ए मिलार्डेट ने, ऑप्शन 2. 124. फाइटोएलेक्सिन्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स आफ्टर फंगल इन्फेक्शन, ये भी सही है. बिफोर फंगल इन्फेक्शन, ये भी सही है. ऑन फंगल कॉन्टैक्ट विद प्लांट, ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. 125. ऑफ द फॉलोइंग द फंगीसाइड दैट इज सिस्टमिक इज, तो इसमें सिस्टमिक है बेवेस्टीन, ऑप्शन 1. 126. द लेटेस्ट मॉडल दैट इज प्रपोज टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, तो ये है फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सिंगर और निकल्सन ने दिया था, ऑप्शन 2. 127. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन डीएनए कॉन्टेंट इज डबल, तो ये होता है एस फेज में इंटरफेस के, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 128. द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज, तो सेल साइकिल का जो सीक्वेंस है वो है जी1, पहला गैप फेज, फिर सिंथेटिक फेज, फिर G2 फेज और फिर माइटोटिक फेज, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 129. रिप्लेसमेंट म्यूटेशन ऑफ अ पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बाय अ प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड, इसको कहते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ऑप्शन 1. 130. टर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू, टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो एक एक्स क्रोमोजोम के डिलीशन से होता है और ये एक मोनोसोमी है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. 131. एलोसोम्स जो हैं वो सेक्स क्रोमोजोम्स को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. 132. द क्रॉस ऑफ एफ हाइब्रिड F1 हाइब्रिड विद आइदर ऑफ इट्स डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है बैक क्रॉस, ऑप्शन 2. 133. विच इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन जो है वो कोडिंग रीजन होता है और ये लाइटली स्टेन्ड होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 134. Which one of the following is an alkylating agent? तो इसमें इथाइल इथेन सल्फोनेट जो है, ऑप्शन 4, ये एक अल्काइलेटिंग एजेंट है. 135. विच हिस्टोन इज नोन एज लिंकर हिस्टोन, तो लिंकर हिस्टोन H1 को कहते हैं, ऑप्शन 1. 136. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें जो ऑप्शन 4 है, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉस ओवर इज कैलकुलेटेड ऑन द अजम्पशन दैट टू क्रॉस ओवर्स ऑकर डिपेंडेंटली, ये गलत है. 137. एनएस्ट्रल माइटोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एनएस्ट्रल माइटोसिस जो है वो हायर प्लांट्स में होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल और एस्टर रेज नहीं पाए जाते. 138. द फिनोमेना ऑफ मास्किंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन बाय अनदर नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं एपिस्टेसिस, ऑप्शन 2. 139. बार आई इन ड्रोसोफिला इज ड्यू टू, बार आई जो है वो ड्यूप्लीकेशन ऑफ 16A रीजन के कारण होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. 140. द फिनोमिना ऑफ हेट्रोसिस इज, हेट्रोसिस को हाइब्रिड विगर कहते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. 141. साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज इनहेरिटेड मैटरनली, ऑप्शन 2. 142. अ जीन विच सिंथेसाइजेज अ रिप्रेसर प्रोटीन इज कॉल्ड अ रेगुलेटर जीन, ऑप्शन 1. 143. Which of the following is not related with karyotype? Number of chromosome, size of chromosome, shape of chromosome, ये तीनों होगा, chemical nature of chromosome नहीं होगा. 144. Who wrote the famous book Origin of Species? वो लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 145. XXXO type of sex determination is found in, ये होता है ग्रास हॉपर में, ऑप्शन 3.
146. The most important use of haploid in is the production of homozygous diploids. Option 1. 147. Rhaenobrassica is an example of Rhaenobrassica jo hai wo ek allo polyploid hai. Option 4. 148. Which statement is incorrect for multiple allelism? इसमें है ऑप्शन 3, इट फॉलोज मेंडल कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ये फॉलो नहीं करता है, ऑप्शन 3. 149. मियोसिस इन्वॉल्व्स, मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं न्यूक्लियस के और एक होता है क्रोमोसोम का, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 150. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ऑप्शन 2, फिनोटिपिक रेशियो इन F1 जनरेशन इज 9:3:3:1. ये जो रेशियो है ये डायहाइब्रिड क्रॉस का है, मोनोहाइब्रिड का नहीं है, मोनोहाइब्रिड का 1:1 होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2.